शहर वालों को शायद पता नहीं होगा कुल देवी देवताओं को, उनको सिर्फ जठेरों के बारे में पता, मुझे भी सिर्फ इतना ही पता था। बट यहाँ आके जो मैंने बताया, सीखा है, सुना है, जो मुझे बताया गया, मैं सब कुछ बताती हूँ। तो चलो आ जाओ, दिन की शुरुआत हो गई है, सूर्य प्रणाम कर लिया है, थोड़ा सा हुलिया सुधार लेते हैं। तो मैडम लूज़ लूज़ कपड़े क्यों पहन रहे हो? कई लोगों ने थोड़े ऐसे मैसेज किए, कुछ नहीं है, गर्मी है भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो ज़्यादा मत सोचो, बाकी कर लेते हैं, थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं, अपना हुलिया सुधार लेते हैं। बहुत बुरे लग रहे हैं, स्पेशली यहाँ का जो थोड़ा पानी ना ड्राई है, तो इस वजह से ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा अभी भी आपको फेस में मेरे लग रही होगी। तो कोई बात नहीं, हम सोल्यूशन भी साथ में लेके आए हुए हैं, क्रीम में लगा लेंगे, थोप लेंगे, साथ में आटा भी गूंथ लेते हैं। साथ साथ में बन रहा है खाना, भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, आपको खानी है तो खा लो। मेरी मम्मी को भिंडी की सब्ज़ी ना एक्चुअली वो खड़ी खड़ी होती है ना, कच्ची कच्ची, वो वाली पसंद है सासू माँ को, बट हमें थोड़ी गली हुई तो अनगे नहीं खा रहा था, तो अनगे के लिए कुछ और बनाया। देन उसके बाद खा लेते हैं मैंगो, घर के देसी मैंगो। मैंगो सुबह सुबह नहीं खाने चाहिए अगर कोई डाइट पे है, क्योंकि और स्पेशली जो शुगर वाले बंदे हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए सुबह सुबह मैंगो, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इससे शुगर बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये रियलिटी है, बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। बट ना अभी देसी आम दोबारा मिलेंगे नहीं, आपको पता ही है। तो बीच बीच में, मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, पर बीच बीच में कई बार खा लेती हूँ, और ज़्यादा फ्रूट के ऑप्शन भी नहीं आ रहे। तो उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया था सैंडविच, ये पनीर सैंडविच है, इसमें मैंने कुकम्बर वगैरह सब कुछ डाला हुआ था, साथ में टमाटर अनियन डाला हुआ था, तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो कुछ का मैसेज आया था कि मैम आप ब्राउन ब्रेड मत खाया करो डाइट पे हो, क्योंकि ब्राउन ब्रेड हेल्दी नहीं होता है, व्हाइट ब्रेड ब्राउन ब्रेड सेम ही कैटेगरी के होते हैं, इसमें कलर डाल देते हैं, एक दो वीडियो भी वायरल हुई थी। तो मैं आपको बोलती हूँ कभी कभार चलता है, आपको वो फूड छोड़ना है जो ऑब्वियसली नहीं अच्छा है, लाइक चीनी होगी, व्हाइट शुगर होगी, फास्ट फूड, जंक फूड, जो ये चीज़ें होती हैं आप नहीं खाएं। देखो मैं वो भी आपको बताती हूँ कि आप कई बार बोलते हो कि मैम हमारा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है, हमारा बाहर घूमना होता है, हम नहीं कंट्रोल कर पाते, या फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। तो आप क्या करो, पोर्शन कम कर दो यार। धीरे धीरे जब आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से, अपनी रूटीन से कट करना शुरू कर दोगे ना, तो एक टाइम पर आके वो चीज़ें आपको अच्छी भी लगनी बंद हो जाएंगी। तो कभी कभार कुछ चलता है, बट अपना पोर्शन कम कर दो, अपने चीज़ों पर कंट्रोल कर दो, घर का खाना खाओ, सिंपल सादा खाना खाओ, ऑयल छोड़ दो, और चीनी वाइट शुगर तो भूल ही जाओ, बाकी उसके सब्स्टिट्यूट आप खा सकते हो। और दूसरा है कि ऑयल को बिल्कुल, मतलब जितना कम खाओ उतना ज़्यादा अच्छा है, और नमक भी कम करो, नमक से भी, सोडियम से भी वेट बढ़ता है। मैडम जी आपने तो सब कुछ छुड़वा दिया, कहंदे ना जेड़ा जीव नु स्वाद लगे और शरीर नु स्वाद लगे जरूरी नहीं होंदा, इसलिए कह रही हैं वेट लूज करना है तो छड़ दो, नहीं करना है तो फिर मजे ले रहो जिंदगी दे, तुहानूं अपना मोटापा पसंद है तो फिर दुनिया जावे पहाड़ च, कोई टेंशन लैण दी जरूरत नहीं है, तुसीं उस अकॉर्डिंग ही जियो। बट इफ यू वॉन्ट अ हेल्दी लाइफ, सो हेल्दी खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, दैट्स नेसेसरी। बाकी आज मैं बना रही थी पुलाव, मैंने वो चपाती और भिंडी की सब्जी मैंने अपने बेटे को दी थी, उसने भिंडी की सब्जी नहीं खाई, चपाती खा ली, कह रहा मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं भिंडी थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, मम्मा अलग तरीके से बनाते हैं, उन्होंने ही सुबह बनाई थी, मतलब उन्होंने रख दी थी, मैंने वैसे ही थोड़ा सा स्टर किया था उसको, उन्होंने बना रखी हुई थी, क्योंकि उसने उन्होंने ना उसमें वो डाला था, खट्टा डाला था, अमचूरन। तो उसके बाद ना मैंने ये बनाया है पुलाव, मैं अपने लिए भी बनाया है, घर वाले भी खा लेते हैं, मेरे ससुर जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा ठीक है वो भी खा लेंगे। तो बेटा भी थोड़ा बहुत खा लेता है, उसमें मैंने बहुत सारी वेजेस डाल दी थी बस शिमला मिर्च को छोड़ के, बाकी उसने थोड़ी थोड़ी खा ली थी, मैंने मतलब इनडायरेक्टली कैसे करके उसको खिला दिया था। उसके बाद हम कपड़े देने गए थे स्टिच करने के लिए, टेलर है ही नहीं थे घर, तो मैंने कहा ठीक है वापस आ जाते, तो उतने में रास्ते में ना बारिश हुई है तो मिट्टी वगैरह बहुत थी, तो पैर खराब हो गए थे, पैर नहीं चप्पलें खराब हो गई थी। तो ये हमारे घर के पास बोली है, ये राजा महाराजों के टाइम की है, बस अभी थोड़े टाइम पहले इस पे शेड डाला है, पहले इस पे शेड नहीं था। तो इसके पास वाला जो मंदिर है वो पापा ने और थोड़ी सी लोगों ने थोड़ी सी हेल्प की थी, तो पापा ने वो रेनोवेट करवाया था, प्रॉपर उसका काम करवाया था, बिल्कुल पहले छोटा सा था। तो कहा जाता है कि राजा रानियों के टाइम की बात है, तब ये बौली में जो रानियाँ नहाती थी, उसके बाद इस यहाँ से, मतलब ऐसे नहीं बीच में नहीं नहाती थी, साइड पे नहाती थी, और उसके बाद यहाँ से पानी लेके, जल लेके वो शिवलिंग मंदिर था, शिव का मंदिर था, शिवलिंग पे जल चढ़ाती होती थी। तो ये उसी टाइम राजा रानियों के टाइम का ही मंदिर है, बस इसको थोड़ा सा रेनोवेट करवा दिया, थोड़े से मरम्मत की ज़रूरत थी उसको ठीक करवा दिया, बाकी जो अंदर वाला है वो सब कुछ वैसा का वैसा ही है।
बाकी उसके बाद हम गए थे अपने कुल देवी देवताओं के मंदिर, मतलब हमारी कुल देवी जो है ना मेरे ससुराल में, आफ्टरऑल मेरे भी माता चंडी को माना जाता है। यहाँ पे सब लोग बहुत, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, तो सब लोग माता चंडी को ही मानते हैं। यहाँ की जो मतलब कुल देवी है वो माता चंडी है। तो यहाँ पे दोले माता है, नुकनैली माता है और जोड़े माता है। मैं आज तक कभी नहीं गई हूँ, बट जोड़े माता जाना यहाँ के लोगों के लिए, कहते कि अगर आप डोगरा नहीं हो, अगर आप जोड़े माता नहीं गए, मतलब उतनी वैल्यू, जितनी वैष्णो देवी की माता रानी की वैल्यू है ना, उतनी जोड़े माता की वैल्यू। उसके बाद दोले माता आती है, उस पर नुकनैली माता आती है। नुकनैली माता तो बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, शायद मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी डाली थी इसकी, यूट्यूब पर भी डाली हुई है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ डली है। मैं कभी नहीं गई, इनमें से कहीं नहीं गई हूँ, तो बाकी माता रानी का बुलावा है, जब वो बुलाएंगे नहीं, बट हमारे यहाँ बोलते हैं कि अगर तुम डोगरा नहीं हो, अगर तुम इस माता के यहाँ नहीं गए हो, मतलब आप जम्मू वाले नहीं हो। उसके बाद हम गए थे अपनी चंडी माता ऊपर, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो आंटी वहाँ पे एक मिले, वो बकरवाल आंटी, बकरवाल थे शायद, वो बकरियाँ वगैरह चराने वालों को बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो आंटी को मैंने पूछा कि आपको डर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे बाघ आते ही रहते हैं। एक मम्मी बता भी रहे थे किसी ने, बाघ ने वहाँ पे बकरी खाई थी। तो मैंने बोला कि आंटी आपको डर नहीं लगता, तो आंटी बोलते कि जानवरों से क्या डरना, वो तो अपनी भूख मिटाने के लिए मजबूरी में हमें मारते हैं, इंसानों से डर लगता है, इंसान जानवरों से ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। बात तो उन्होंने सही बोली थी, अब क्या बोल सकते हैं। कहते हैं जो इंसान है वो अपनी हवस मिटाता है, और जो जानवर है वो अपनी भूख मिटाता है, क्योंकि उसको भगवान ने पेट रखा दे रखा है, तो उसकी मजबूरी है, उसका नेचर है कि उसने जो खाना है वो खाना ही खाना है। ये बात तो सही है। फिर उसके बाद हम माता रानी के यहाँ मत्था टेकने गए थे। हम चाबी लेके नहीं गए थे, हम बाहर से माथा टेक लिया। हम वॉक पे गए थे, तो हमने सोचा कि उधर क्या जाना है, वॉक पे उधर ऊपर चलते हैं पहाड़ी पे, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी, थोड़ी माता रानी के दर्शन भी कराएंगे। मैं एक बार पहले भी शायद आई थी, नहीं आई हूँ, मंगलवार को देखती हूँ माता रानी कृपा करे तो मैं जाके आऊँगी। तो क्योंकि यहाँ पे ना मोस्टली मंगलवार को ही जाते हैं, बहुत रश होता है मंगलवार को, यहाँ पे लोग चले रहते हैं, मतलब हमारे घर चाबी होती है तो चाबी उन्हीं मतलब ऊपर ही रहती है, शाम तक वापस मुड़ती है। तो आप यहाँ से बाहर का व्यू देख सकते हो, बहुत ऊपर पहाड़ी पे है, नीचे ये पानी दिख रहा है, पहाड़ी के पास वो रणजीत सागर डैम का पानी जा रहा है। तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पीस है, रिलैक्सेशन है। वैसे नॉर्मली बोलते भी हैं कि जो माता रानियाँ होती हैं वो हमेशा पहाड़ी पे ही होती हैं। सो देखते हैं, माता रानी यहाँ तो बुलावा आता ही है, तो पता नहीं वहाँ कब बुलावा होगा, कब माता रानी हमें बुलाएंगी, मुझे बुलाएंगी, क्योंकि मैंने नहीं देखी है वो जगह, बट डोगरों के लिए उस जगह की बहुत मान्यता है, बहुत ही ज़्यादा। देन उसके बाद मुझे कुछ मैसेज आए थे कि आप कुल देवी देवताओं के यहाँ भी जाए। पहली बात, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ना शादी के बाद पता लगा है। हमें पहले होता था कि जठेरे हैं वही होते हैं, पंजाब में जो हिंदू फैमिलीज़ हैं, बाकियों का नहीं मुझे पता, मैं हिंदू फैमिलीज़ की बात करती हूँ, तो उनके लिए जठेरे ज़्यादा मतलब सुनने में आता है कि शादी हुई है तो जठेरों में जाना है, कोई अच्छा बड़ा काम करने वाले हो तो जठेरों के यहाँ जाना है। कुल देवी देवताओं के बारे में मैंने सुना है, बट ज़्यादा नहीं सुना, बट यहाँ आके पता लगता है कि भाई कितनी वैल्यू है इस चीज़ की, इस नाम की कितनी वैल्यू है, सॉरी चीज़ बोल दिया, सॉरी, इस नाम की, इस जगह की, उनकी एक जगह है, एक वैल्यू है, उसका मतलब आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो। सो मेरे हस्बैंड के लिए तो मतलब वो घर आते हैं ना तो हो ही नहीं सकता, तो जैसे घर आएंगे अगले सुबह ना खाना खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे पहले पुराने घर, हमारे कुल देवी देवते वहाँ पे हैं, तो वहाँ जाएंगे, माथा टेक के आएंगे, उसके बाद घर आके खाना खाएंगे, मतलब उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। उसके बाद ये हम रात को सोने लगे थे, तो दादी पोता लगे हुए एक्सरसाइज करने के लिए, रोज़ बैठ जाता है, दादी आज एक्सरसाइज नहीं करनी, आज योगा नहीं करना, चलो करते, लेट्स डू इट, तो दोनों जाने करते, खुद करता नहीं है, मम्मी को ही करवाता रहता है। उसके बाद इसने खाना नहीं खाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको खाना खिलाती हूँ, तो बोलता है कि मैंने वो सब्जी नहीं खानी, आप मुझे कुछ और बनाओ, जबकि मैंने ना मलाई की सब्जी बनाई थी तड़का लगा के, कुछ समझ आ नहीं रहा था, मैं भिंडी खा खा के मन पर भर गया था, तो मैंने सोचा कि ये बना देती हूँ, तो कहता कि नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने ट्रिक पता की क्या किया, मैंने ना सॉस ली, तो सब्जी अंदर डाल रही हूँ चपाती के, सॉस हल्की सी ऊपर लगा रही हूँ इसको, मतलब दिखाने के लिए कि मैं सॉस लगा रही हूँ इतनी सी, तो बस इस अकॉर्डिंग इसको खिला रही हूँ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जाए, नहीं तो खाना नहीं खाता। मैं बहुत सारे ट्रिक्स अप्लाई करते हूँ, आप इमेजिन नहीं कर सकते, मेरे हस्बैंड तो हंसने लग जाते हैं।